गाइस अभी हम लोगों को कुछ रास्ता नजर आ रहा नहीं रहा है, वहाँ सामने बहुत ही गंदा चेकिंग हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है कुछ 12 बज रहे हैं, तो हम नहा धो के तैयार हो चुके हैं और डीजी को भी मस्त खाना दे दिए, डीजी खाना खा रही है। तो आज का एक मस्त प्लान है, तो आपको आगे पता चलेगा क्या प्लान है। तो हाँ चलिए उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारी बाइक रेडी है, तो अब चलते हैं, प्यासों को रिसीव करते हैं, फिर चलते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। प्यासे रिसीव कर चुके हैं। तो गाइस हम लोग नियरली नतनवा क्रॉस कर चुके हैं। तो आज का हमारा डेस्टिनेशन है एक कुलवी से थोड़ा पहले खैरा घाट पड़ता है, वो नदी है जो कि वो भी एक बॉर्डर ही मान सकते हैं और डिवाइड करते हैं इंडिया और नेपाल को। तो वहाँ हम लोग जाएंगे, तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो गाइस ये है यहाँ का टोल प्लाजा। तो गाइस हम लोग अभी भी चंडी थान क्रॉस किए हैं और हम लोग कॉलोनी के पास से गुजर रहे हैं, तो उसके सामने पड़ता है संपत्तियां। बस एक ही बात का डर है कि कहीं संपत्तियां में चेकिंग ना हो रहा हो, क्योंकि वहां पे एक चेक पोस्ट पड़ता है। तो गाइस जिस बात का डर था वही हुआ, यहां सामने चेकिंग चल रहा है, आपको दिख रहा होगा बैरियर्स लगे हुए हैं वहां सामने। तो अब तो प्रियांशु दूसरा प्लान क्या है बताओ, चाचा बताइए क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, कैसे चला जाए। बस हेलमेट चेक हो रहा है कि कागज जो कुछ भी पता रहा है, आप चलल जाओ आपके अमन के चारा बनाए के का। तो गाइस अभी हम लोगों को कुछ रास्ता नजर आ रहा नहीं रहा है, वहाँ सामने बहुत ही गंदा चेकिंग हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो एक दूसरा प्लान हमारा ये है कि एक दूसरा पीछे जो पहले हम बोले थे वो नहीं पड़ रहा है, उधर से रास्ता गया है पूरब के साइड, तो वहाँ से होके हम लोग सीधे संपत्तियाँ चौराहा निकलेंगे, फिर उसके बाद खैरा चलेंगे। हमारा डेस्टिनेशन जो आज का है वो खैरा है, तो इधर हम लोग चलेंगे। तो गाइस हम लोग फाइनली टर्न ले चुके हैं और अभी हम लोग को यहाँ से राइट टर्न लेना है, उसके बाद सीधे और रास्ता जाएगा संपत्तियाँ चौराहे की तरफ। और हमारे साथ वो अंकल जी भी आ रहे हैं जो पीछे भी लेते हैं, हेलमेट हेलमेट है लेकिन तब भी वो नहीं है। तो गाइस हम लोग चित्रा पार्क क्रॉस कर चुके हैं और ये आ गया हमारा संपत्ति वाला रोड, मतलब नई कोट वाला रोड है। तो नई कोट से होते हुए हम लोग सीधे निकलेंगे संपत्ति चौराहा, उसके बाद खैरा। तो फाइनली हम लोग हाईवे में आ चुके हैं। तो गाइस हम लोग फाइनली इधर आ चुके हैं, वहाँ देखिए सामने चेकिंग हो रहा है और यहाँ बहुत से लोग रुके हुए हैं, हम देख सकते हैं। तो देखिए हम लोग पूरे मशक्कत करते हुए इस रास्ते से होते हुए होते फिर उधर चौराहे पाए हैं, यहाँ से यहाँ कुछ गुफ्तगू कर रहा है। तो गाइस हमारी मुश्किल अभी भी नहीं टली है, सामने एक और जगह चेकिंग हो रहा है, यहाँ एक है जुगिया वारी करके जगह, तो हम देखते हैं अब क्या होता है। तो गाइस जैसा कि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक रास्ता बंद होता है दूसरा खुल जाता है, तो देखिए एक सामने यहाँ से रोड गई है, लोग यहाँ जा रहे हैं, आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, वहाँ देखिए वहाँ सामने। तो हम लोग इधर से होते हुए, लेकिन आज तो डेस्टिनेशन हम लोग अपने पहुँच के रहेंगे, मंजिल पर पहुँच के रहेंगे, तो अब ऐसे होते हुए जाएंगे हम लोग इस रास्ते से, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो गाइस वहाँ का भीड़ छोड़ के यहाँ देखिए, इतना मेहनत से पॉलिश किए थे यार, तुम पूरा बोलते इसीलिए हमको चला रहे थे, नहीं चला पाते हो जो। यहाँ देखिए भीड़ देखिए गाइस, प्रियांश से यहाँ पे बेइज्जती करवा दिया, कोई बात नहीं। तो गाइस यहाँ पे देखिए हमारे पीछे इतना भीड़ है और वो अकेले जा रहा है, अकेले खेतों में से लेके जा रहा है। तो इतनी मुश्किलें आने के बाद अब देखते हैं आगे क्या होता है, हम लोग पहुँच पाते हैं कि नहीं, काफ़ी लेट वापस नतनवा में जाना है, रात को स्कूल भी लेने जाना था, तो देखते हैं। तो गाइस हम लोग फाइनली हाईवे पे पहुँच चुके हैं और यहाँ देखिए पूरा काफ़ी लेट इधर से आ रहा है, बहुत ही ख़राब रास्ता था लेकिन हम लोग आ गए हैं, अब जैसे हम लोग चलते सीधे खैरा घाट। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं और ये है वो जगह जिसके सामने जाएंगे, तो खैरा घाट है, मतलब नदी गुजरती है और ये SSB ऑक्यूपाइड एरिया है। तो गाइस जैसा कि इसके इधर नेपाल है तो ये हमारा SSB ऑक्यूपाइड एरिया है, तो यहाँ पे हम लोग को आइडेंटिटी अपना शो करना पड़ता है उधर जस्ट सामने, जैसे भाई शो करके आ रहा है,
तो देखते हैं आगे। यहाँ देखिए गाइस कैक्टस। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच गए, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे पीछे नदी है। तो ये देखिए यहाँ पे बोट राइडिंग भी होती है, हालांकि पानी भी कम है। कौन चीज बाबा? अच्छा ये बाबा कह रहे हैं कि मोबाइल यहाँ नहीं चलाने के लिए, ठीक है सही बोल रहे हैं। तो गाइस हम लोग को वहाँ पे सामने एक बुजुर्ग मिले थे जो कि उन्होंने बोला कि यहाँ पे फोन यूज करना थोड़ा वर्जित है, उनका भी कहना सही है। तो हाँ यहाँ तो हम लोग को काफी टाइम हो चुका है यहाँ पे घूमते घूमते, यहाँ हम लोग बगीचा वगीचा घूमे हैं जो बागीचा वगैरह है। तो हाँ इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय। दुनिया से तुम बताओ क्या किया जाए, सीधा भगाते बाइक तुम्हारा है नहीं, पकड़ाएंगे हम।